मंगलवार का दिन यूपी ही नहीं देश के लोगों के लिए अमंगल बनकर आया, क्योंकि एक साथ इतनी लाश बच गई कि हादसे की खौफनाक तस्वीर देखकर लोगों की रूह कांप उठी। इस भयावह मंजर को हम आपको पूरी तरह दिखा भी नहीं सकते, लेकिन खबर बताना जरूरी है क्योंकि ये सैकड़ों परिवारों की जिंदगी का सवाल है। हादसे की खबर जैसे ही लखनऊ पहुंची, पूरा महकमा एक्शन में आ गया। मुख्य सचिव और डीजीपी को तत्काल घटना स्थल के लिए रवाना किया गया। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से भी लिखा गया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद हाथरस में हुए हादसे में मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार कराने और मौके पर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम योगी के कार्यालय के ऑफिशियल एक्स हैंडल से हाथरस हादसे को लेकर जो पोस्ट किया गया उसमें आगे लिखा है, एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में घटना के कारणों की जांच के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि हाथरस के रतिभानपुर के सिकंदरा राव से एटा रोड पर स्थित गांव फुलरई में सत्संग सुनने पहुंची हजारों की भीड़ जब सत्संग होने के बाद बाहर निकल रही थी, तभी भगदड़ मच गई। देखते ही देखते कोहराम मच गया। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, जबकि सैकड़ों लोग घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब इस बात की जांच होनी है कि इतनी भीड़ इकट्ठा किसने की, हादसे का जिम्मेदार कौन है। अगर भीड़ इकट्ठा हुई थी तो प्रशासन की तरफ से इंतजाम क्यों नहीं किए गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।